हेलो दोस्तों, जय माँ काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दो, शेयर करो और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दो, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जिसमें राजस्थान जीके आएगी, 100% इन क्वेश्चनों में से आपको ज़रूर आपके कोई क्वेश्चन टकरा जाएगा। तो इसलिए इनको कंटेस्ट याद कर लो दोस्तों, इनको रिपीट कर लो बार बार, तो इनको आपको आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन बड़े टकरा जाए तो आपको कुछ ही सेकेंड लगेगी और आपको तुरंत ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, SI CI, जिसकी भी एग्ज़ाम होगी, राजस्थान जीके आएगी जिसमें, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो अपना टॉपिक चल रहा है, जो राजस्थान के जो प्रदेश आपने प्रदेश है, राजस्थान में जितने भी गोवंश है, भेड़ की नस्लें हैं, भैंस की नस्लें हैं, ऊँट की नस्लें हैं, जो इम्पोर्टेंट अधिकतर क्वेश्चनों में आपको पता है कि पूछ लेते हैं कि ये भैंस किसकी है, जाफरावादी नस्ल किस भैंस की है, या गाय की है, या लड़ी की है, किसकी भी आपको जिसको क्वेश्चन देके पूछ ही लेते हैं, तो उनके बारे में हम ट्रिक के माध्यम से सारी याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं, जो आज जो भैंसों की नस्लें हैं उनके बारे में, तो शुरू करते हैं जो भैंसों की नस्लों की ट्रिक है उसके बारे में। उसकी ट्रिक हो गई भैंस की, कल हमने परसों के दिन गाय की पढ़ ली, कल हमने पढ़ी ऊँट की, और आज हम पढ़ेंगे भैंस की। तो भैंस की नस्लों की ट्रिक है एक आसान सी, जिसको हम एक मिनट इसको सेट कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। इससे ये हो गई आपकी रास्ता, इसकी ट्रिक भैंस की। तो राना पंडित मुंह से बजा सुर में भी, इसको भी आसानी से हो जाएगी कि राना पंडित मुंह से, पंडित मुंह से बजा सुर में भी। क्या पढ़ोगे आप? राना पंडित मुंह से बजा सुर में भी से याद रखना कि भे भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो? भे। तो रा से हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा रा से? राबी। रा से क्या हो जाएगा? राबी, ठीक है। और ना से क्या हो गया? ना से क्या हो जाएगा? नागपुरी। ना से क्या हो जाएगा दोस्तों? नागपुरी, ठीक है। पंडित, पंडित से याद क्या रखोगे? पंडित से याद रखना दोस्तों पंडरपुरी। क्या रखोगे? पंडरपुरी, ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है। मुँह से याद रखना दोस्तों मुर्रा भैंस। कौन सी? मुर्रा भैंस। इन सभी के बारे में बताऊंगा अभी आपको। वैसे याद रखना दोस्तों बदावरी। क्या याद रखोगे? बदावरी। वैसे क्या याद रखोगे? बदावरी। जा से क्या याद रखोगे? जाफराबादी। जा से क्या याद रखोगे? जाफराबादी, बहुत बार आई हुई क्वेश्चन में जाफराबादी। और फिर सू से क्या हो गया? सू से क्या हो गया? सूरती। सू से क्या हो गया? सूरती। र से क्या हो गया? रथ। रथ। म से क्या हो गया? महसाना। भैंस से क्या हो जाएगा? भैंसे, ये भैंस की नस्लें हैं। ओके, ये हो गए आसान से ट्रिक। अब मैं आपको भैंस के बारे में, उसके वंश के बारे में, जो राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग इसमें है, राजस्थान में कितनी भैंसे, कैसे प्रकार की, कौन सी भैंसे फेमस हैं, उनके बारे में, इन सभी के हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, भैंस वंश की दृष्टि से देश का पहला स्थान कहाँ है? पहले तो ये बताओ कि भैंस वंश की दृष्टि से देश में जो पहला स्थान है वो किस देश का है, किस राज्य का है? देश का नहीं, सॉरी, किस राज्य का है? तो वो है उत्तर प्रदेश का दोस्तों। प्रथम स्थान रखता है भैंस पालने की दृष्टि से, और राजस्थान का दूसरा स्थान आता है भैंस की दृष्टि से, भैंस वंश की दृष्टि से। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है, तो वो है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पाई जाती है? जयपुर में, सबसे ज़्यादा भैंसें जयपुर में। और सबसे न्यूनतम भैंसें कहाँ पाई जाती है? न्यूनतम भैंसें दोस्तों, सबसे न्यूनतम भैंसें जैसलमेर में, जहाँ चारा कम होगा तो भैंसें कैसे क्या खाएगी, तो जैसलमेर में सबसे कम भैंसें पाई जाती है, ठीक है। और मुर्रा या खुंडी भैंस के बारे में बताते हैं कि मुर्रा भैंस के बारे में अपने पढ़ा कि अभी राना पंडित मुँह से हमने याद किया मुँह, अभी इस मुर्रा भैंस के बारे में बता देता हूँ आपको। इसको खुंडी भैंस भी कहते हैं, अपने राजस्थान में बोला है खुंडी भैंस है, तो वो है खुंडी भैंस है, तो खुंडी भैंस ना पका बोला जाए मुर्रा भैंस। तो याद रख जी दोस्तों, मुर्रा भैंस, खुंडी भैंस नहीं बोला जाए। ये मूल उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? मोंटगोमरी। मोंटगोमरी क्या है? मुल्तान पाकिस्तान में स्थित है,
ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ पे स्थित है? मुल्तान पाकिस्तान में इसकी मूल उत्पत्ति। तो ठीक है, और ये भैंस की क्या है दोस्तों, इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। क्या है? भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसके बारे में, इसके दूध की अगर वसा के बारे में पूछ ले कि इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी है, तो क्या बताओगे? इसमें सबसे ज़्यादा 7 से 8% भैंस इस दूध इसके दूध में इतनी प्रतिशत मात्रा वसा की होती है दोस्तों। ठीक है, मैंने उसके बारे में बता दिया है। तो अब इसका प्रजनन केंद्र के बारे में याद रख लेना कि इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है। इसका प्रजनन केंद्र कुमेर भरतपुर में है। कहाँ है? कुमेर भरतपुर में। हो गए दोस्तों, ये हो गई कुमेर भरतपुर में, और एक और डग झालावाड़ में। ये दोनों जगह इसके प्रजनन केंद्र है। ठीक है, अब और किसके बारे में बताऊँ आपको? जाफराबादी के बारे में, इसके बारे में बता देता हूँ कि इसकी मूल उत्पत्ति स्थल कहाँ है? गुजरात में। ये याद रखना, जाफराबादी के, जाफराबादी को याद रखना, जाफराबादी। इसकी मूल कहाँ पूछेगा, मूल स्थल कहाँ है? गुजरात में। और अगर भैंस प्रजनन केंद्र पूछ ले कि भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो भैंस प्रजनन केंद्र कभी भी पूछे तो बताना है वल्लभ नगर। कहाँ है? वल्लभ नगर। ये उदयपुर के जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये संचालित हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में बता दिए। और एक बदावरी भैंस है, ये जो बदावरी भैंस है इसके बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस भैंस के में जो दूध में जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कितनी सर्वाधिक वसा पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी भैंस की मैंने आपको बता दी है, और जितनी आ सकती है उन सभी को मैंने ट्रिक के माध्यम से सारी भैंसों के बारे में बता दिए है ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों।